अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 121। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है पेन ट्रे। आज के इस लेसन में हम पेन ट्रे के नाम से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके मेरे पास ड्राइंग्स भी हैं, तो टू डायमेंशन ड्राइंग आप देख सकते हैं, हमारे पास टू डायमेंशन ड्राइंग है। इस पर पहले काम करेंगे और फिर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास थ्री डायमेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक ऐसी शेप बन जाएगी। तो मैं टू डायमेंशन पे काम करूँगा पहले। तो मैं इसके लिए ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड ओपन है तो पहले हम इस पे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन मैंने किया और मैं इसको फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ, यहाँ से फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ। और अब मैं इस ड्राइंग को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ से जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लाइन विड्थ थी है तो वो है 30। तो इसको मैं यहाँ से एल इंटर करता हूँ, 30 एल इंटर 30। तो स्टूडेंट इसकी यूनिट जो है वो डेसिमल में ही है। और इसके बाद पे यहाँ से यहाँ तक जो इसको हाइट देता हूँ वो है जी यहाँ से यहाँ तक है 15.0। एल एंटर 15 एंटर ओके। नेक्स्ट यहां से जो इसकी हाइट है वो है 4.0। और यहां से यहां तक का जो एरिया है वो है इसके पास 15.0, 4.0 एंड 15.0। ओके एल इंटर 4 इंटर एंड 15 इंटर ओके। नेक्स्ट इसमें ये जो पॉइंट जहां पे जुड़ रहा है तो वहां से इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 3.0 का और उसके साथ इसको मैं जोड़ दूंगा ऑफसेट ओ एंटर 3.0 सॉरी 3.0 एंटर यहाँ से यहाँ तक। और मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर से जोड़ता हूँ मैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको फिलेट भी कर देता हूँ यहीं पे, आप फिलेट भी कर सकते हैं। और फिलेट के लिए मैं यहाँ से देखें क्योंकि मेरे फिलेट में से करता हूँ, फिलेट के लिए मैं एफ एंटर करता हूँ या 3D में ले जाके भी आप फिलेट कर सकते हैं। तो हम चले 3D में इसको फिलेट करेंगे। तो यहाँ से भी इसको फिलेट करना है तो इसको फिलेट मीन इसको मैंने राउंड शेप में लेके आना है तो उसके लिए मैंने फिलेट कमांड यूज़ करनी है। तो फिलेट कमांड है हमारे पास, उसका रेडियस है 2 सॉरी 4 रेडियस है यहाँ से फिलेट का और अंदर वाले रेडियस इसका जो है वो है 2। तो मैं यहाँ से इसको फिलेट अप्लाई करता हूँ एफ एंटर, रेडियस के लिए आर एंटर और रेडियस कितना है जी 4 है एंटर ओके। सर्कल सी एंटर, इसका रेडियस जो है वो है 2 ओके। हमारे पास यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। और अब मुझे ये वाली ड्राइंग नहीं चाहिए, मैंने 3D में काम करना है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ओके। अब मैं यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए मैं जो कमांड यूज़ करता हूँ वो मैं इसको एक तो बी ओ एंटर करता हूँ, देखता हूँ ये आपस में बी ओ एंटर पिक पॉइंट ओके बी ओ एंटर पिक पॉइंट ओके। अब मैं यहाँ से इसको एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में लेके आता हूँ और इसको टॉप टॉप लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ ओके। अब मैंने इस पे जो काम करना है वो क्या है कि मैं इसको प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ से इसका एरिया यहाँ तक बढ़ाता हूँ। तो मैं इसको देता हूँ 6 इंटर और यहाँ से भी इसको मैं 6 बल्कि 6 कम है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ 8। और इसको मैं ऑर्बिट रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के लिए शिफ्ट और अपने माउस से स्क्रॉल का बटन प्रेस करें उसे आप इसको ऑर्बिट को मूव कर सकते हैं 8। और इसको मैं 4
फोर बल्कि वन, सॉरी फोर नहीं, वन करने, वन इसको भी वन कर दो, वन, और इसको इस साइड से भी वन कर दो क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए ताकि, वन वन। ओके हमारे पास ये ड्रॉ हो गया, और इसको मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो ये बस ख़त्म हो गया सर्कल। तो देखता हूँ मैं इसको ये इलास्टिक व्यू में लेके जाके, तो यहाँ तक तो ये बन गया, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ, तो इसको आप यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन इसको डिलीट कर दें। तो देखिए बीच में से होल बन गया हमारे पास। दूसरी साइड से अगर नहीं बना तो यहाँ से आप इसको, अगर नहीं बना तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, प्रेस पुल कमांड लें, इसको सिलेक्ट करें और इसको इस कॉर्नर से बाहर निकाल दें। ओके तो यहाँ तक जब हमारे पास ये बन गया, और इसको मैं मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि एम एंटर बल्कि इसको एम एंटर, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस स्पेस करके इसको मूव करता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया रह गया इसको डिलीट हो जाएगी वाला। ओके अब मैंने यहाँ से इसको फिलेट करना है, तो फिलेट के लिए एफ एंटर करता हूँ, इनके से कॉर्नर जो इनको मैं राउंड करता हूँ, तो उसके लिए मैं एफ एंटर करूँगा, एफ एंटर, और इसको भी मैं यहाँ से 2 या 4 करता हूँ, तो मैं रेडियस को 4 देता हूँ, आर एंटर, 4 रेडियस देता हूँ, ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ, 4 ये कॉर्नर है, 4 ये कॉर्नर है, 4 एंड ये कॉर्नर है इसका। ओके तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं हमारी ड्राइंग बन गई है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह की ड्राइंग्स बनाएं ताकि आप अच्छी तरह से, और इसमें मेरे ख्याल से एक और काम भी है तो मैंने नहीं बताया, इसमें यहाँ से भी देखें सर्कल ड्रॉ है, तो मैंने गलती की है कि मैंने इसे 2 डायमेंशंस में नहीं बनाए, लेकिन इसमें भी आप बना के इस पर काम कर सकते हैं। तो उसका क्या ट्रिक है, आप सी सर्कल लें इस यहाँ से, सी एंटर, इस कॉर्नर से देखें, इसके जो ही मैं यहाँ पे करीब लेके आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल आ गया, उसको मैं देता हूँ 2, 2 ज़्यादा है मेरे ख्याल से, 3 करना है इसको, सी एंटर, 3 नहीं 1 करना है, यहाँ से मैं इसको 1, और यहाँ से भी एक सी एंटर करता हूँ, वन। ओके अब मैं इसको प्रेस पुल कमांड से इसको ख़त्म करता हूँ, प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, और यहाँ से इसको भी ड्रैग करता हूँ। ओके तो यहाँ पे आपका ये जी काम कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल होल बन गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।